घड़ी से ऊंचाई ज्ञात करना। अगर हम छत पर हैं, इस छत की कितनी ऊंचाई है इसको हम कैसे ज्ञात कर लेंगे, ऐसे मान लेते हैं इसकी ऊंचाई है, तो इसको हम समय से करेंगे। जबकि आज तक हम जानते थे टेप से या स्केल से लंबाई को नापते हैं, लेकिन हम टाइम से इसको मेजर करेंगे। साइंस की विडम्बना है बहुत की अगर हम सर पर लेके 10 किलोमीटर भी किसी वजन को लेके जाए तो कोई काम नहीं करते हैं विज्ञान के हिसाब में। उसी तरह से अभी आप देखेंगे विचित्र लगेगी बातें, जो हम घड़ी देख के कैसे लंबाई को माप लेते हैं। फिजिक्स में हम जानते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ u जो है यह है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो है एक्सीलरेशन है। लेकिन यहाँ जब ऊंचाई से हम गिर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ जी हो जाएगा, और ये क्या है, टाइम है जी, ये टाइम है। तो यहाँ हम घड़ी पहने हैं, यहाँ हम एक कोई पत्थर लेंगे और यहाँ से हम उसको गिराएंगे, तो यहाँ इसका इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और उसको यहाँ से यहाँ आने में हम घड़ी देखेंगे, मान लेते हैं टाइम 10 सेकंड का समय लगता है। तो इस फार्मूला में हम देखते हैं तो s इसकी ऊंचाई है, तो s बराबर ये पोर्शन हो जाएगा जीरो, चूँकि u जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जीरो हो गया। हाफ g हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, और टाइम अगर 10 सेकंड है तो ये टी स्क्वायर 10 हो गया, ये जो है 2×5=10। तो अब यहाँ हम देखते हैं ये, तो इसको हम यहाँ हमारा शून्य उड़ गया, तो ये 98 × 5 हो गया, तो ये 98 × 5 हो जाएगा 490 मीटर, ये हमारे ग्राउंड से छत की ऊंचाई है। इस तरह से हमने प्राप्त किया मेजरमेंट को। इसी तरह से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स, थोड़ा सा हमें इस पर ध्यान देना है, फार्मूला को कंसाइज कर लेंगे तो आसानी होगी। थैंक